जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका रिजल्ट 4 मई 2022 को आया, यानी कि परसों, क्योंकि आज मैं जो है वीडियो को बना रहा हूं, आज 6 तारीख है, 6/5/2022। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे लोग कई एक तरह के सवाल को लगातार हमसे पूछ रहे हैं। सो आज जो है उन सारे सवालों को मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। तो सवाल नंबर एक, जो कि छात्र लोग जो है कई एक बार पूछे हैं, सर चैलेंज करें या स्कूटनी करें, ठीक है, चैलेंज बोलिए या स्कूटनी बोलिए, रीचेक बोलिए, ठीक है, रीटोटलिंग करिए, करें या ना करें, पहला सवाल, ठीक है। सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। पहले सवाल जो है बच्चे लोग का मैं पढ़ लेता हूँ। दूसरा है कि बैकलॉग स्टूडेंट का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, बैकलॉग का, ठीक है, मैं फेलियर स्टूडेंट का नहीं बोल रहा हूँ, बैकलॉग का, ठीक है। जैसे कि जिसका एक पेपर में कैरी लग गया है, दो पेपर में कैरी लग गया है, ठीक है, अगर सेकंड सेम का बच्चा होगा तो तीन पेपर में भी कैरी होगा तो वो बैकलॉग ही कहलाएगा, ठीक है, यानी कि उसका कैरी भी होगा, ठीक है, कैरी कहलाएगा। सो कैरी पेपर या बैकलॉग बोल दीजिए, ठीक है, या एरियर भी बोला जाता है उसको, उसका एग्ज़ाम जो है कब होगा, सवाल जो है दूसरा है। सवाल तीसरा है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, अब फेल किसको बोला जाता है, वैसे स्टूडेंट जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में का एग्ज़ाम लिखे थे, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया था, अगर वो 4 सब्जेक्ट में या 5 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो फेल कहलाएंगे, ठीक है। और अगर थर्ड सेमेस्टर से जो ऊपर के बच्चे हैं और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, वैसे स्टूडेंट जिनका 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है, वे बच्चे जो है फेल कहलाएंगे। तो उनका एग्ज़ाम कब होगा, सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 4, जो कि मैं अभी कमेंट फ़िलहाल ही में पढ़ रहा था, कि कैरी से फ्यूचर में हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी पेपर में, एक पेपर में या दो पेपर में कैरी लग गया है, तो कैरी से हमें फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो है 4 सवाल है। सो फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ सवाल को, आप समझ लीजिएगा। पहला जो सवाल था कि रीचेक या स्कूटनी या रीटोटलिंग कराएं या ना कराएं, कराने से क्या होता है। दूसरा जो सवाल है कि बैकलॉग स्टूडेंट का एग्ज़ाम कब होगा। तीसरा नंबर सवाल है कि फेलियर स्टूडेंट का एग्ज़ाम कब होगा, जिसका ईयर बैक लग गया या सेमेस्टर बैक कहिए। और चौथा है कि कैरी होने से फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो है सवाल है। हो सकता है कि आपके मन में और भी सवाल होगा जो इस वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है सवाल मेरे पास 4 ही आया है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर आप अपना कमेंट को करेंगे, और आपके कमेंट को पढ़कर ये 4 सवाल के अलावा अगर बच जाएगा तो सारे सवाल को मैं जवाब दूंगा। सो समय को ना व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट जो है मुद्दा पर आते हैं। पहला नंबर सवाल कि सर स्कूटनी करें या ना करें। अब स्कूटनी वैसे बच्चे भी बोल रहे हैं, देखिए स्कूटनी जो है दो तरह के बच्चे हैं। पहला बच्चा जो फेल कर गया है, वो बच्चा भी स्कूटनी के लिए बोल रहा था कि सर हम स्कूटनी करें या ना करें। दूसरा वैसा बच्चा जिसको कम मार्क्स मिला है, हो सकता है ओवरऑल 40 मार्क्स मिला है, 50 मार्क्स मिला है, ठीक है, तो वैसा बच्चा भी बोल रहा सर स्कूटनी कर दें या ना करें। तो पहला सवाल का जवाब जो है मेरे तरफ से क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, स्कूटनी या चैलेंज या रीटोटलिंग ये जो है आप ना करें। क्यों, इसके पीछे मैं आपको रीजन भी बताना चाहता हूँ। रीजन जो है एक उदाहरण के तौर पर, मैं सच्ची जो है जो उदाहरण है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि कई एक बार मैं आपको बता भी चुका हूँ इस एग्जांपल को। हम लोग बिहार के छात्र हैं, बिहार में आपके घर में कोई ना कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया होगा, आपके आस पड़ोस में पड़ोसी जो है एग्ज़ाम दिया होगा। जो बच्चा फेल हुआ है या जिसका बच्चा का मार्क्स कम आया था 10th में, वो बच्चा स्कूटनी के लिए अप्लाई किया है और वो बच्चा का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और 5 तारीख से एग्ज़ाम भी है, कौन सा एग्ज़ाम, तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम। अब सोचिए कि जो बच्चा स्कूटनी के लिए अप्लाई किया था और कंपार्टमेंटल के लिए भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, उसका स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया, अब वो तैयारी में नहीं किया होगा कि हमको स्कूटनी में पास हो जाएंगे 100% सीना ठोक के, क्योंकि हम लिख के आए थे, वो बच्चा का क्या हालत हुआ होगा आप समझ सकते हैं। उसी तरह से वही रवैया
वही रवैया एसबीटी बिहार भी बच्चों के साथ करती है। आपका फॉर्म भरने का डेट आएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, तो हम आराम से इसे बैठे रहेगा, स्कूटनी अप्लाई किए हैं, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं, क्या कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, पैसा भी फंस जाएगा, तैयारी भी नहीं कर पाइएगा, एग्ज़ाम भी छूट जाएगा, ये आपकी जो है बात है, ठीक है। सो आप स्कूटनी या रीटोटलिंग या रिवैल्यूएशन आप कभी भी ना कराएं। फिर भी अगर आपको लगता है, लक अगर आपको साथ दे दे, तो आप करा दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कराना चाहते हैं तो करा दीजिए, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है स्कूटनी ना ही कराएंगे तो बेटर रहेगा, आप उसके बदले में तैयारी करिए। तो सवाल नंबर एक जो है क्लियर हो गया। सवाल नंबर दो, सर मेरा कैरी लग गया है, मैं ईयर बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरी की बात कर रहा हूँ, सर हमको कैरी है एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, या हो सकता है कि सेकंड सेमेस्टर का बच्चा होगा तो तीन सब्जेक्ट वाला भी कैरी कहलाएगा, सर हमको कैरी लग गया है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? बहुत ही सुंदर सवाल है और इसका सुंदर आंसर भी है। आपका एग्ज़ाम जून महीना में होगा, जून 2022। फिर से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो कैरी है आपका उसका एग्ज़ाम जून 2022 में होगा, यानी कि जो अभी जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप करेंट का भी एग्ज़ाम देंगे, साथ में आप बैकलॉग का भी एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है आपका दो पेपर में कैरी होगा, तो दो पेपर प्लस पांच पेपर तो आपका रेगुलर भी है, क्योंकि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो पांच आपका भी रेगुलर है, सिक्स सेमेस्टर में होंगे तो उसमें भी रेगुलर, जो भी पेपर आपका चार या पांच जो भी है, तो रेगुलर प्लस कैरी, यानी कि सीधा सा जवाब कि कैरी का एग्ज़ाम जून महीना में होगा, यानी कि अगला महीना में होगा, उसके लिए आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। मैं कैरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अभी आपके पास वक्त कम है, आप तैयारी में भिड़ जाइए, आप ज़्यादा जो है इधर उधर करने के चक्कर में नहीं रहिए, ऐसा नहीं हम बहुत अच्छा लिखे थे, हाँ हमको पता है आपने अच्छा लिखा था, कभी कभी SBT जो है गलत कर देती है, आप जानते होंगे इस बात को। सो आप जो है पिछली बातों को भूलकर एग्ज़ाम की तैयारी में भिड़ जाइए और इस बार जो है पेपर को क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सवाल नंबर तीन जो कि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, फेलियर स्टूडेंट का जिसका ईयर बैक लगा है। अब ईयर बैक किसके लगा होगा, किसको लगा होगा, वही स्टूडेंट अगर सेकेंड सेम का स्टूडेंट होगा तो तीन से ज़्यादा होगा तो ईयर बैक होगा, अगर चार में होगा पाँच में होगा तो ईयर बैक होगा, थर्ड सेमेस्टर से तो आप जानते हैं तीन नहीं दो ये रहता है, ठीक है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, आप तीन लेके चल सकते हैं, दो नहीं तीन लेके चल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम तीन है ना, ठीक है, और सेकेंड सेम में आपका जो है तीन से ज़्यादा, ठीक है, अगर आप इसमें तीन है तो आप जो है बैकलॉग हैं, ईयर बैक हैं, ठीक है। सो ईयर बैक का कहानी आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं, इसमें हमको कन्फ्यूजन या आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे बच्चे जिनका ईयर बैक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मैं एक बार में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, वैसे बच्चे जिनका ईयर बैक है वे बच्चे कब एग्ज़ाम लिखेंगे, तो पहला आंसर कि वे बच्चे जून 2022 में एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे। फिर से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जून 2022 में एग्ज़ाम नहीं लिखिएगा। अब सवाल उठता है कि कब लिखिएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, ठीक है, क्योंकि आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखा था और थर्ड सेमेस्टर में आप जो है पढ़ रहे थे, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं लिखे थे। मान लीजिए अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और सेकेंड सेम में आपको ईयर बैक लग गया या सेमेस्टर बैक लग गया, जो भी कहिए, ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है, हालांकि ईयर बैक उसको कहना चाहिए, सेमेस्टर बैक तो होगा नहीं, ठीक है, सेमेस्टर बैक भी सही है क्योंकि आपको ये जो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर है तो आप उसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो सेमेस्टर बैक ही कह लीजिए। तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, समझ में आ रहा है,
ये वाला जो एग्जाम का स्लॉट है इसमें छोड़कर अगला जो स्लॉट होगा उसमें होगा। यानी कि सीधा सीधी समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा, अभी कोई बच्चा मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर, अभी जो जूनियर आपका जो पढ़ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो बच्चा जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम लिखेगा उसके साथ आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम लिखिएगा और उसी के साथ अपना जिंदगी को बिताइएगा। यानी कि आपका जो दोस्त, आपका जो सहेली है, वो आपसे आगे चले जाएंगे, आप जो है पीछे वाला जो आपका जूनियर है उनके साथ आराम से उस गाड़ी में बैठ जाइए और उसी गाड़ी को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। अब उस गाड़ी में कब बैठिएगा? तो वो तो दिसंबर में एग्जाम ना लिखेगा, दिसंबर या जनवरी हो सकता है या नवंबर भी हो सकता है, जब कभी भी हो, वो जब सेकंड सेम का एग्जाम लिखेगा, यानी जो बच्चा अभी फर्स्ट सेम में है आपका जूनियर, वो जब सेकंड सेम का एग्जाम लिखेगा तब आप उनके साथ सेकंड सेम का एग्जाम लिखिएगा और उन्हीं के साथ थर्ड सेम में जाइएगा और उन्हीं के साथ बैठते बैठते चले जाइएगा और पूरा आपका डिप्लोमा फाइनल हो जाएगा। आई होप आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? तो फेलियर स्टूडेंट के लिए जिनका ईयर बैक लगा है। अब सवाल है कि सर हम ईयर बैक लग गया है या सेमेस्टर बैक है, पढ़ाई करें या छोड़ दें, या पढ़े तो कौन सा पढ़ें? मान लीजिए हम प्राइवेट कॉलेज में हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, तो कौन सा क्लासरूम में जाके पढ़ें? समस्या है सर, किसके साथ अभी बैठें? अगर आप कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप कॉलेज वाला को बोलिए कि सर हमको, मान लीजिए अगर आपको मैकेनिक्स वाला सब्जेक्ट में फेल लगा होगा, मैकेनिक्स, एफओई, आईटी सिस्टम, ये सब में, तो जो बच्चा अभी मैकेनिक्स पढ़ रहा है वहाँ उसके साथ बैठ के पढ़िए। और नहीं तो अभी आप 6 महीना, 6 महीना तो नहीं, आप 2 महीना आराम कर लीजिए और जब सेकेंड सेम चालू होगा तो जो आपका पेपर बैक लगा है उसी सेमेस्टर के साथ आप बैठ के उसमें पढ़ाई कर लीजिए और ज़िंदगी उसी में गुजार दीजिए। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी अभी हमको हमको मिला है कि थर्ड सेम में वो अभी पढ़ रहा था और सेकेंड सेम में ईयर बैक लगा तो थर्ड सेम के साथ पढ़ाई कर रहा। थर्ड सेम के साथ आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? आपको थर्ड सेम के साथ नहीं पढ़ना है मेरे प्रिय छात्रों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सेकेंड सेम में जब वो बच्चा आएगा ना जो जूनियर है उसके साथ आप जो है पढ़िएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो सेशन जो रहेगा वो 3 साल का ही रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं सर हमको क्या दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत नहीं होगा। आपका जो सेशन होगा, मान लीजिए आप 20 में एडमिशन लिए हैं तो 20 से 23 ही रहेगा, आपको डिग्री जो मिलेगा वो 20 से 23 का ही मिलेगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि आपको 1 साल बाद मिलेगा, आपके साथ जो दोस्त था उसको 1 साल पहले मिल जाएगा, किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 3, सर कैरी से फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक इंग्लिश में कहावत है, इन इंजीनियरिंग लाइफ नो एरियर नो कैरियर, विदाउट एरियर देयर इज नो कैरियर। यानी कि इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं, आप डिप्लोमा एक तरह का जूनियर इंजीनियर ही ना है, विदाउट एरियर देयर इज नो कैरियर। जो बच्चा का एक बार एरियर लग जाता है उसका कैरियर भी सेट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूँ, हमको भी फर्स्ट सेम में एरियर लगा था, मेरा भी कैरियर सेट हो गया। क्योंकि एरियर लगने के बाद जो है ये दिमाग को जो है हम लोग बार बार जो है बोलते रहते हैं कि अब जो है एरियर ज़िंदगी में नहीं लगेगा। जब मेरा फर्स्ट सेम में जो है 2 पेपर में एरियर लग गया था, समझ में आ रहा है आपको? एक जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके ही था, BEEE मेरा था, फंडामेंटल नहीं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक जो पेपर था मेरा वो थर्मोडायनेमिक्स था। 2 पेपर में मेरा बैक लग गया फर्स्ट ईयर में। उस दिन से मैंने जो है डिसीजन लिया कि जिंदगी में कभी भी जो है अब एरियर नहीं लगने देंगे। और उस सब्जेक्ट में मैंने B ग्रेड भी लाया और अच्छा ग्रेड लाया जो सब्जेक्ट में एरियर लगा था।
और उस दिन से 8 सेमेस्टर में मैंने कभी भी एरियर नहीं लगने दिया मेरे प्रिय छात्रों। एक बार जो इंसान ठोकर खा जाता है जिंदगी भर सुधर जाता है। इसलिए अगर आपको ठोकर लगा है तो आप जो है उस ठोकर को जिंदगी का सक्सेस का पहला आप जो है सीढ़ी मान लीजिए। निराश नहीं होना है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है मेरे प्रिय छात्रों। आप जो है धीरज धरिए, उस पेपर को निकाल लीजिए। आई होप आपने जो है बहुत समझ चुके होंगे। और मैं उन छात्रों को मैं तसल्ली देना चाहता हूँ, धीरज देना चाहता हूँ जिनका सेमेस्टर बैक है, निराश मत होइएगा मेरे प्रिय छात्रों। जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना है, जिंदगी में कभी भी हताश नहीं होना है, जिंदगी में कभी भी अपने आप को तोड़ना नहीं है। अगर आप कमजोर पड़ जाइएगा तो जिंदगी भी आपकी कमजोर पड़ जाएगी। एक बार सीना ठोक के बोल दीजिए कि एक बार फेल हो गए तो क्या अगला बार टॉप करके दिखाएंगे, एक बार गिर गए तो क्या अगला बार जो है सीढ़ी पर चढ़ के दिखाएंगे, क्योंकि जो गिरता है वही उठता है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी हताश नहीं होना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपने गलती को निकालिए कि कहाँ पर हमारा गलती रह गया था कि जिसके वजह से हमने जो है फेल हुआ, या ईयर बैक लगा, या सेमेस्टर बैक लगा, या हमको कैरी लगा है। अब उस गलती को ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगा। किस तरह से SBT पैटर्न जो है कॉपी को चेक करती है, वो पैटर्न आपको मालूम हो गया होगा। सो इन सारी बातों को आप जो है सुधार कीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है फिर भी रह गया होगा तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। समय मिलने पर ज़रूर से ज़रूर आपका हम जवाब देंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।